के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने पेट्रोल डीजल के दामों पर कांग्रेस के प्रदर्शन पर निशाना साधा है। पूनिया ने कहा है कि कीमत बढ़ने का कारण आंतरिक अर्थव्यवस्था है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से भी ताल्लुक होता है। इधर इससे पहले सतीश पूनिया ने आमेर क्षेत्र का दौरा भी किया, जहाँ बीच रास्ते पर ही उनके पास प्रदेश संगठन महामंत्री मुकेश दाधीच का फोन आया और पूनिया से पंचायती राज संस्थाओं पर चल रही वीसी को संबोधित करने के लिए कहा। इस पर पूनिया ने रास्ते में ही गाड़ी रोकी और एक पंचर बनाने वाले की दुकान पर बैठकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस बीच दुकान संचालक ने छोटा सा कूलर भी चलाया तो पूनिया से चाय पानी का भी आग्रह किया। डॉक्टर सतीश पूनिया से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान ने। कोरोना संक्रमण ने जिंदगियों में काफी बदलाव भी ला दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया निकले आमेर विधानसभा क्षेत्र में दौरे के लिए, तो रास्ते में जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायती राज संस्थाओं को संबोधित करना था तो स्थान नहीं मिला। तो ये एक तस्वीर देख सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसी तस्वीर है। कोई पंचर की दुकान है और कोई मिस्त्री की दुकान है, उस पर बैठ कर ही इन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस छोटी सी कुर्सी टेबल पर ये बैठे, लेकिन बहरहाल तमाम बातें हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आज कांग्रेस का आंदोलन है, उसको लेकर हम बातचीत करते हैं पूनिया साहब से। कांग्रेस ने जो आज आंदोलन किया है, देश भर में धरना प्रदर्शन चल रहा है, खासतौर पर जयपुर की हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर आज धरने का कार्यक्रम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो इस तरीके से आचरण कर रहे हैं जैसे कांग्रेस के राज में कभी महंगाई बढ़ी नहीं होगी। इनके यहाँ तो फिल्में बन गई थी, गाने बन गए थे। ये मैं मानता हूँ कि इस समय डीजल के दामों के कारण लोगों में एक किस्म की बेचैनी है, थोड़ा निराशा का भाव है, लेकिन जैसी हमारी बातचीत होती है निश्चित रूप से, क्योंकि इसकी अंकगणित थोड़ी अलग किस्म की है, जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से भी ताल्लुक़ रखती है, भारत की आंतरिक अर्थव्यवस्था से भी ताल्लुक़ रखती है, और इसमें एक बड़ा हिस्सा सब्सिडी का है। लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत अरसे तक लोगों को बहुत कम कीमतों पर ये सहूलियत मिलती रही, लेकिन इस सहूलियत के पीछे लोग उन चीज़ों को भूलते हैं कि बुनियादी चीज़ों की डिमांड मोदी सरकार ने निःशुल्क ही करी है। बहुत सारी ऐसी जो योजनाएं थी, जो ज़मीनी और धरातल की योजनाएं थी, जहाँ तक बैनर की लड़ाई का सवाल है, हो सकता है कि व्यक्ति की व्यक्ति में निष्ठा हो, कोई किसी का नेतृत्व स्वीकार करता है, किसी का नहीं करता है, लेकिन पार्टी का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उसकी पालना निश्चित रूप से सम्मान करना चाहिए। मोदी जी, अमित शाह जी, मैं देखता था कई बार उनको भी भूल जाते हैं लोग। तो इसके लिए हम कोई संविधान तो नहीं बनाएंगे, लेकिन ये अपना विवेक है कि पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं पार्टी के प्रोटोकॉल का पालन करें। खास बातचीत की है प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया साहब ने, और यहाँ पर एक तस्वीर ये भी मेरे कैमरा साथी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दुकान में एक सामान्य सी दुकान है पंचर की, और मिस्त्री का काम करता है ये व्यक्ति। इस ये भी शॉक रह गया जब प्रदेश अध्यक्ष उनके यहाँ पर वीसी के जरिए लोगों से रूबरू हो रहे थे। कैमरा पर्सन विनोद के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।